बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वीडियो क्लिप देखने को मिली है, मेरे अजीज ने उसे भेजा है, तो उसमें जो है कुछ मसाइल बयान किए गए हैं और मैं उसका मुकम्मल तफसीली जायजा लूंगा। और यहाँ दो मसला असल में छिड़ा गया है, दो मसला। एक मसला है फज्र की जमात के वक्त कि जब फज्र की नमाज होती है, जमात खड़ी हो जाती है, उसके बाद मस्जिद वगैरह में सुन्नत नमाज पढ़ना, फज्र की जमात खड़ी होने के बाद सुन्नत नमाज पढ़ना, ये कैसा है? एक मसला ये छेड़ा गया है। दूसरा मसला ये छेड़ा गया है कि फज्र की सुन्नत नमाज जो है जमात के बाद पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर किसी की दो रकात सुन्नत नमाज फज्र की रह गई थी, क्या वो फर्ज नमाज पढ़ने के बाद, जमात खत्म होने के बाद, वो सुन्नत नमाज जो रह गई थी उसे पढ़ सकता है या नहीं, ये दूसरा मसला छेड़ा गया है। इंशाल्लाह आप यकीन रखें, मैं अपनी दलाइल दूंगा, मसले को वाजे करूंगा, फिर उनकी दलीलों का ऐसे जवाब दूंगा, आपको मैं यकीनन कह सकता हूं कि तसल्ली हो जाएगी अगर आप बुग्ज का और दुश्मनी अदावत का जो है चश्मा उतार कर मेरी बातों को गौर फिक्र से सिर्फ इस्लाह की नियत से सुनेंगे। अब बात समझिए, पहले मैं आपको अपना मसला समझा दूं। हमारा मसला क्या है पहले ये समझाना है आपको। सबसे पहली बात, फज्र की जमात के वक्त घर में या मस्जिद में या मस्जिद के बाहर सहन वगैरह में या सफों से हटकर जहां जमात हो रही है उस जगह से हटकर मस्जिद के किसी कोने में जाकर या सुतून जो खंबा वगैरह पिलर वगैरह हो, पिलर के आड़ में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं सुन्नत नमाज, फर्ज नमाज, जमात खड़ी होने के बावजूद, फज्र के बारे में कह रहा हूं, तो आपके लिए ये जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मसला बताऊंगा और मैं सब दलीलें दूंगा, घबराइए मत, आप मुकम्मल तसल्ली बख्श जवाब दूंगा और उनकी जवाब का रद्द भी करूंगा, घबराइए मत, सुनिए गौर फिक्र से। पहले मसला आपको समझा दूं, अपना मसला क्या है, ये मसला था। अब दूसरी बात, अगर कोई, फिर मसला समझिएगा, ये तो मसला बता दिया, अब आगे भी बता रहा हूं, अगर कोई सफ के दरमियान नमाज पढ़ रहा है, जमात चल रही है और वो उसी जगह जहां जमात चल रही है वहीं पर सफ से लगा हुआ, सफ से मुत्तसिल लोगों के साथ सुन्नत नमाज पढ़ रहा है, जमात वहीं चल रही है, उन्हीं के पास खड़ा हो गया जो सुन्नत नमाज पढ़ रहा है, न कोई खंबे का आड़ है, सुतून का आड़ है, न किसी मस्जिद के कोने में या सहन में या अपने कमरे में किसी हुजरे में, बल्कि उसी सफ के दरमियान नमाज पढ़ रहा है, जिस जगह नमाज हो रही है मस्जिद में उसी सफ में दाखिल होकर नमाज पढ़ रहा है, हमारे नजदीक इस तरह नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, जायज नहीं है, गुनाह मिलेगा अगर कोई इस तरह नमाज पढ़ता है। इसीलिए ये मसला याद रखें, अगर आप मस्जिद में जाके देख रहे हैं कि जमात खड़ी हो गई है, कोई सुतून वगैरह का आड़ नहीं है, मस्जिद छोटी सी है, किसी कोने में भी जाके नमाज पढ़ने का मौका नहीं है, इतनी छोटी मस्जिद है, मस्जिद का सहन भी नहीं है, कोई साइड में कमरा वगैरह भी नहीं है, इस सूरत में आप नमाज सुन्नत नमाज न पढ़ें बल्कि जमात में शामिल हो जाएं। इसके बावजूद अगर आप सुन्नत नमाज पढ़ने के लिए उसी जगह सफ में दाखिल होके लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनके साइड में खड़े होकर सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो मकरू है, गुनाह मिलेगा आपको। ये हमारा मसला है, पहला मसला। अब दूसरा मसला समझिए, फज्र की नमाज के बाद, फर्ज नमाज हो जाने के बाद अगर आप फर्ज नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप कजा नमाज पढ़ रहे हैं या वाजिब नमाज पढ़ रहे हैं तो ये जायज है। लेकिन इसके अलावा, कजा नमाज वाजिब नमाज के अलावा, अगर आप कोई सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल जायज नहीं है। फजर की नमाज के बाद मसला समझेंगे, इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, मुकम्मल तसल्ली होगी आपको, ये याद रखिएगा। मसला है कि अगर फजर की नमाज पढ़ लेते हैं फर्ज नमाज के बाद, सुन्नत नमाज, नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वजू या जो है कोई और नफिल नमाज वगैरह आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते फजर की नमाज के बाद, जब तक सूरज न निकल जाए अच्छी तरह से, जब सूरज निकल जाए उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। अब अगर किसी की दो रकात सुन्नत नमाज पहले की रह गई है, आप उसको बाद में पढ़ना चाहते हैं जमात के बाद, जमात में शामिल हो गए थे, सुन्नत नमाज नहीं पढ़ पाए थे फजर की, अब बाद में आप पढ़ना चाहते हैं नमाज के जमात से खत्म, जमात से निकलने के बाद, तो आपके लिए जरूरी है कि आप सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे, उस वक्त नहीं पढ़ सकते, ये आपके लिए जायज नहीं है, मकरूह तहरीमी है। अब मसला आइएगा दलाइल की तरफ।
ये तो मेरा मसला था। मसला मैं अपना मसला पहले बता दूं ताकि आप समझ जाएं क्या बात है। मसला मैंने बता दिया है, अब आइए दलाइल की तरफ गौर फिक्र करते हैं। सबसे पहली बात आपको हदीस सुना दूं। قال حدثنا احمد قال حدثنا علي قال اخبرنا الحسين قال حدثنا يزيد عن ابي مجلز قال دخلت المسجد في صلاه الغداة مع ابن عمر وابن عباس والامام يصلي فاما ابن عمر فدخل في الصف واما ابن عباس فصلى ركعتين ثم دخل مع الامام। तहावी शरीफ में हदीस नंबर 2571 पे मौजूद है ये। इसमें ये बताया गया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर यानी हजरत इब्ने उमर और हजरत इब्ने अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा मस्जिद को आते हैं सुबह की नमाज में और देखते हैं कि इमाम जो है नमाज पढ़ा रहा है। इस हदीस का तर्जमा करके बता रहा हूँ। यह हदीस बिल्कुल सही हदीस है, बिल्कुल सही। अगर कोई इस हदीस को ज़ईफ बोले तो कहिए साबित करे, इसको साबित करे कि ज़ईफ है, वरना कह देने से हदीस ज़ईफ नहीं होती है। झूठ बोल रहा है अगर कोई ज़ईफ कह रहा है। आप देखिएगा तहावी शरीफ खोलकर, यह हदीस बिल्कुल सही हदीस है। तो अब जो है आगे सुनिए, इस हदीस में आता है कि इमाम जो है नमाज पढ़ा रहा था तो हजरत इब्ने उमर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ये जो है सफ में दाखिल हो जाते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं जमात के साथ, इमाम के साथ। और इब्ने अब्बास जो थे वो दो रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इमाम के साथ जमात में शामिल होते हैं। अब इस हदीस से मेरा मसला साबित हो गया, मैंने जो कहा था। अब आगे आइएगा, अभी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। हदीस में आता है अन अबी दर्दा انه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاه الفجر فصلى ركعتين في ناحيه المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاه। तहावी शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 258 पे बिल्कुल सही हदीस मौजूद है। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा जो सहाबी रसूल हैं, वो आते हैं मस्जिद में दाखिल होते हैं और लोग जो है सफों में खड़े हो चुके हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, सफों में दाखिल होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और हजरत जो अबू दर्दा आते हैं मस्जिद के अंदर, देखते हैं कि लोग तो नमाज शुरू कर चुके हैं। अब अबू हदीस में आता है कि फसल्ला रकअतैन फी नाहियतिल मस्जिद, मस्जिद के कोने में जाकर किसी के आड़ में जाकर दो रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर जाकर जमात में शामिल होते हैं। देखिए मैं दलील दे रहा हूं, हदीस मौजूद है। अगर तुम दलील देते हो और मैं भी दलील देता हूं तो तुम्हारी दलील को कबूल करते हो हदीस से, जब मैं दलील देता हूं क्यों नहीं मानते? मैं भी तो हदीस दे रहा हूं, मैं भी तो मसला अपनी तरफ से नहीं बताता। हम अहनाफ अपनी मर्जी से तो मसला नहीं बता रहे, हम भी तो दलील दे रहे हैं। तो तुम दलील दो तो सही, हम दलील दें तो गलत। क्या ये अजीब बात है, क्या मामला तुम बना के रखे हो कि तुम्हारी दलील सही हो जाती है, हमारी दलील गलत हो जाती है? लोगों पे अफवाह फैला के रखे हो कि हनफी जो है कयास करते हैं, कुरान हदीस को छोड़ देते हैं। देखिए मैं मसला बता रहा हूँ और हदीस दे रहा हूँ, मैं अपना मसले पे हदीस दे रहा हूँ, हदीस मेरी मौजूद है यहाँ पर। अब आगे आइए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का भी यही अमल मौजूद है। हदीस खोल के देखिए, तिब्रानी में मौजबत तिब्रानी कबीर में जिल नंबर 9 सफा नंबर 277 पे और तहावी शरीफ में जिल नंबर 1 सफा नंबर 257 पे और इसी तरह मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में जिल नंबर 2 सफा नंबर 251 खोल कर देखिएगा, यह हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का अमल, वो भी जब मस्जिद में आते हैं देखते हैं कि लोग जो है नमाज पढ़ रहे हैं जमात से, वो मस्जिद के एक सुतून के आड़ में आते हैं, फिर उसके बाद दो रकात सुन्नत नमाज पढ़ते हैं, फिर जमात में शामिल होते हैं। और मैं भी तो यही मसला बता रहा हूँ आपको कि जब तुम आओ मस्जिद में देखो कि इमाम नमाज पढ़ा रहा है, जमात शुरू हो चुकी है और तुम्हें जो है जमात मिलने का अंदेशा है तो तुम एक कोने में आके नमाज पढ़ो। हम भी तो मसला बता रहे हैं, हमारे पास भी दलील है, मानो हम भी हदीस दे रहे हैं, क्यों नहीं मानते तुम? अब आगे आइए, आगे ये बता दूं आपको कि ये तो मेरा पहला मसला था। दूसरा मसला मैंने ये बताया था कि फजर की नमाज के बाद जो है सुन्नत नमाज पढ़ने के बारे में
हदीस में आता है अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس। इसके अलावा और भी आगे हदीस है, इसी हदीस को मैंने मुख्तसर यहाँ बताया है ताकि जो मुझे यहाँ जरूरत है उसको मैं आपको बता दूँ। यह हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, हदीस नंबर 578 खोल कर देखिए। इसके अलावा मुस्लिम शरीफ में भी है, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 275 पे इसके हम माने हदीस सियासत में मौजूद है। बहुत सारी किताबों में यह हदीस मौजूद है, बल्कि यह हदीस तवातुर के साथ साबित है। यहाँ तक के ये हदीस कम से कम 30 सहाबा किराम 30 सहाबा इकराम से मरवी है यह हदीस कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम जो है फजर की नमाज के बाद और इसी तरह असर की नमाज के बाद नमाज पढ़ने से मना किए हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है फजर की नमाज के बाद, यहाँ तक के सूरज निकल जाए, यहाँ तक के सूरज निकल जाए तब तक नमाज न पढ़ो। फजर की नमाज के बाद नमाज न पढ़ो यहाँ तक के सूरज निकल जाए, ये जो है अल्लाह के रसूल की हदीस है, मैंने बता दिया। अब देखिए यह हदीस बिल्कुल तवातुर के साथ साबित है। दूसरी हदीस जो है हजरत अबू हुरैरा की मौजूद है, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعت الفجر فليصليه ما بعد ما تطلع الشمس। यह हदीस तिर्मिजी शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 57 पे, मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है, दारकुतनी में मौजूद है, बैहकी में मौजूद है, सही इब्ने हिब्बान में मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दूं इमाम हाकिम ने इस हदीस की तस्दीक की है कि यह हदीस सही हदीस है। इमाम ज़हबी ने इकरार किया है कि यह हदीस बिल्कुल सही हदीस है। हदीस का तर्जमा क्या है आप खुद अरबी जानते होंगे, गौर करिए। मन लम युसल्ली, जिसने नमाज नहीं पढ़ी रकअतल फजरी, फजर की दो रकात, फल युसल्लीहिमा, चाहिए कि वो पढ़े, बादमा ततलू शम्स, सूरज निकलने के बाद। यानी अगर किसी ने फजर की सुन्नत नहीं पढ़ी है तो वो सूरज निकलने के बाद पढ़े। इस हदीस का तर्जमा किसी भी अरबी जानने वाले से पूछ लीजिए, तर्जमा उसका यही तर्जमा है, यही सही तर्जमा है। लोग इसको घुमा फिराकर उल्टा सीधा तर्जमा करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन देखिए साफ साफ तर्जमा यही है। मल्लम युसल्ली रकअतल फजरी, जिसने फजर की दौर का सुन्नत नमाज नहीं पढ़ी है, फल युसल्लीहिमा बादमा ततलू शम्स, के वो नमाज पढ़े जो है दौर का सुन्नत नमाज छूट गई है उन दोनों को पढ़े सूरज निकलने के बाद। बिल्कुल हदीस सही हदीस मौजूद है। हम भी यही कहते हैं कि जब तुम्हारी जो है दो रकअत सुन्नत नमाज छूट जाए तो फर्ज नमाज के बाद न पढ़ो बल्कि सूरज निकलने के बाद पढ़ो, उस वक्त न पढ़ो। अगर हदीस में ये होता कि जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये इतराज आगे आएगा इंशाल्लाह, उस वक्त भी मैं कुछ बातें यहाँ करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी याद रखें अगर ये हदीस का मतलब ये होता कि सूरज निकलने तक भी न पढ़े हो तो आगे पढ़ लो, इसका अगर ये मतलब होता तो हदीस में ये आता अगर तुम दो रकात सुन्नत नमाज फजर की न पढ़े हो तो जमात के बाद पढ़ लो, लेकिन हदीस में क्या आया अगर तुम दो रकात सुन्नत नमाज नहीं पढ़े हो सूरज निकलने के बाद पढ़ो। अगर ये जायज होता कि तुम जो है सूरज निकलने के बाद उससे पहले भी पढ़ सकते हो, तुम जमात के बाद भी पढ़ सकते हो, तो फिर हदीस में क्या आता, हदीस में ये आता कि तुम जो है फजर की अगर दो रकात सुन्नत नमाज तुमसे छूट गई है नहीं पढ़ पाए हो तो तुम जो है जमात के बाद पढ़ लो, फर्ज नमाज के बाद पढ़ लो, ये आता। लेकिन हदीस में ये नहीं आया, हदीस में क्या आया, हदीस में ये आया कि अगर तुम्हारी दो रकात नमाज रह गई है फजर की सुन्नत तो सूरज निकलने के बाद पढ़ो। इसकी ताईद कहां से होती है, इसकी ताईद मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल हजरत इब्ने उमर की हदीस मौजूद है, हजरत इब्ने उमर की हदीस मौजूद है, उनका अमल मौजूद है। क्या अमल है, हदीस में आता है फलम्मा सल्लमल इमाम कादा इब्नु उमरा मकानहु हत्ता तत्लुई शम्सु फकाम रकअ रकअतैन। तहावी शरीफ खोल कर देखिए, हदीस नंबर 2159 पे। इसी तरह मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा में यह हदीस सही हदीस, बिल्कुल सही हदीस मौजूद है। मुअत्ता इमाम मालिक में भी यह मौजूद है कि हजरत इब्ने उमर यानी अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की अगर दो रकात नमाज छूट जाती थी फजर की तो वो नमाज के बाद उसी जगह बैठे रहते थे, उसके बाद कब पढ़ते थे, जब सूरज निकल आता था उसके बाद नमाज पढ़ते थे। अगर सूरज निकलने से पहले नमाज पढ़ना जायज होता, फजर की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद अगर दो रकात सुन्नत नमाज जो छूट गई थी उसको पढ़ना जायज होता, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर क्या करते,
कि जमात के फौरन बाद वही पढ़ लेते, लेकिन नहीं, बल्कि वो बैठे रहते हैं। कब पढ़ते हैं? जब सूरज निकल आता, हत्ता तत्लु शम्स, यहाँ तक के सूरज, हत्ता तले आते शम्स, यहाँ तक के सूरज निकल गया। सूरज निकलने के बाद वो दो रकत नमाज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो जो हदीस पहले वाली हदीस थी, उसकी ताईद इस हदीस से भी होती है, सहाबी रसूल के अमल से भी होती है। उस हदीस का जो पहली वाली हदीस थी हजरत अबू हुरैरा की, के अगर तुम्हारी दो रकत नमाज छूट जाए तो सूरज निकलने के बाद पढ़ो, इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब खुद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस से समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि उनका अमल ये था, अगर दो रकात नमाज, सुन्नत नमाज छूट जाती थी तो वो सूरज निकलने के बाद पढ़ते थे। इस हदीस का मतलब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर यही ले रहे हैं, यही मतलब माना ले रहे हैं, तभी तो सूरज निकलने के बाद पढ़ रहे हैं। तो तुम माना बयान करो एक, और सहाबी रसूल एक माना बयान करें, बताओ तुम्हारे माने को लेंगे या सहाबी रसूल के माने को जो है सही करार देंगे? जो सहाबी रसूल का माना है हम उस माने को लेंगे, हम तुम्हारे माने का, तुम्हारे जो है फहम का कोई एतबार नहीं करते, हमें तो सहाबी रसूल का फहम चाहिए। बल्कि एक और बात बता दूं आपको, एक हदीस में ये भी आता है, गज़वे तबूक के मौके पे, गज़वे तबूक के वक्त जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की एक रकात छूट गई थी, तो हजरत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये जो है नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे, इमाम बनकर नमाज पढ़ा रहे थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की एक रकात छूट गई, हुजूर मसबूक बन गए। तो आप अलैहिस्सलाम जब मसबूक बन गए, जो है सुन्नत नमाज नहीं पढ़ पाए, शामिल हो गए जमात से, उसके बाद हदीस में आता है कि वलम यजिद अलैहा शैयन। यह हदीस कहां पर है? अबू दाऊद में। कैसी हदीस है? बिल्कुल सही हदीस। अबू दाऊद में हजरत इमाम अबू दाऊद सुकूत अख्तियार करते हैं, यही दलील है कि यह हदीस इमाम अबू दाऊद के नजदीक सही हदीस है। तो इस हदीस में क्या बताया गया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक रकात छूट जाती है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सुन्नत नमाज भी पढ़े हुए नहीं थे, जब इमाम सलाम फेर देते हैं उसके बाद अल्लाह के हदीस में आता है, अबू दाऊद खोल कर देखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं, एक रकात पूरी करते हैं, उसके बाद कोई नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद कोई नमाज नहीं पढ़ते। अगर उस वक्त फजर की फर्ज नमाज के बाद, जमात के बाद सुन्नत नमाज पढ़ना जायज होता, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जो दो रकात रह गई थी, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल की खुद रकात छूट गई थी। इसे समझ में आता है कि वो तो सुन्नत नमाज छूट ही गई है, जब रकात छूट गई थी तो अल्लाह के रसूल की जब रकात छूटती है तो समझ में आता है, इससे ये भी समझ में आता है अल्लाह के रसूल की सुन्नत नमाज भी छूट गई थी। तो अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत नमाज छूटी हुई थी वो पढ़ते भी नहीं है। हदीस में आता है वलम यजिद अलैहा शैयन, यानी एक रकात जो छूटी थी उसको पढ़ने के बाद और आगे कुछ नहीं पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल। अगर पढ़ना जायज होता, जो दो रकात सुन्नत नमाज छूटी थी अल्लाह के रसूल की उसको पढ़ लेते, लेकिन नहीं पढ़े। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है, वो जो हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है, कि मन लम युसल्ली रकअतल फजर फलयुसल्ली मा बादा मा तत्लू शम्स, के सूरज निकलने के बाद पढ़ो। इसका मतलब यही है कि जब तुम्हारी सुन्नत नमाज छूट जाए तो जमात के बाद नहीं, बल्कि सूरज निकलने के बाद पढ़नी है। अगर पढ़ना जायज होता तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की जो सुन्नत छूटी थी वो उसी वक्त पढ़ लेते, इसी तरह अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत छूटी हुई थी वो उसी वक्त पढ़ लेते, लेकिन नहीं पढ़े। ये मेरी दलीलें थी, ये मैंने जो मसला बताया है उसकी दलील है, ये मेरे पास भी हदीस से दलील मौजूद है। अब बताओ कि क्या मैं भी हदीस पर अमल करने वाला नहीं हुआ? क्या हम अहनाफ, मुझसे मुराद है हनफी, क्या अहनाफ के पास हदीस नहीं है? हमारे पास भी हदीस है, तो फिर एतराज क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास हदीस है तो हमारे पास भी हदीस है। और याद रखो, अहनाफ का और खास करके गैर मुकल्लिदों का इख्तिलाफ कहां होता है मालूम है? ये गैर मुकल्लिद उसी जगह इख्तिलाफ करेंगे जहां हदीस दोनों किस्म की होगी। जब एक तरह की हदीस होती है तो इख्तिलाफ करते नहीं है, जहां हदीस दोनों तरह की आ जाती है, एक हदीस में आता है जायज, दूसरी हदीस में नाजायज, अहनाफ ने कह दिया जब जायज तो उनके टक्कर में आके, जिद में आके वो उसे नाजायज कहेंगे। क्यों? क्योंकि हदीस दोनों तरह की मिल रही है, लोगों को धोखा कैसे देंगे? हदीस तो दोनों तरह मिल रही है, धोखा देंगे लोगों को हदीस पेश करके और अहनाफ के खिलाफ भड़काएंगे, उनका काम ही यही होता है। अब आइए असल मकसद की तरफ, कि उन्होंने जो दलील दी है, वो जो वीडियो कॉल क्लिप जो आपने देखा है, जो आपके पास मौजूद है,
जो साहब बयान करते हैं उन्होंने जो दलील दी है उन दलीलों का जायजा लिया जाए। इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जायजा लूंगा। गौर फिक्र से सुनिए कि उन्होंने सबसे पहली बात ये कही है कि इमाम कुरान पढ़ रहा है और तुम जो है कुरान नहीं सुनते हो। यानी कहते हैं कि जब तुम जमात में शामिल नहीं होकर सुन्नत नमाज पढ़ते हो, मस्जिद में आकर तुम सुन्नत नमाज पढ़ते हो और इमाम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, उस वक्त तुम कुरान न सुनकर जमात से नमाज न पढ़ के तुम जो है सुन्नत नमाज पढ़ रहे हो। क्या कहते हैं? तुम कुरान नहीं सुनते हो, यानी कुरान न सुनकर जमात में शामिल न होकर तुम अपनी नमाज पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर मैं उनको बता दूं, ये बात तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आती जब तुम इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हो? हम भी जब ये बात उस वक्त कहेंगे कि तुम सूरह फातिहा क्यों पढ़ते हो, क्योंकि कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसको सुनो, तो फिर तुम भी सूरह फातिहा छोड़कर कुरान सुनो ना। ये बात तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आती है? नहीं, तुम धोखा देना चाहते हो। और ये साहब जो है एक दलील पेश करते हैं, मैं इंशाल्लाह हर दलील का जवाब दूंगा उनके। एक दलील वो ये पेश करते हैं कि एक सहाबी हैं हजरत कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो हैं कि नमाज पढ़ते हैं फजर के बाद, दो रकात सुन्नत नमाज छूट गई थी उनकी, तो वो पढ़ने लगते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब देखते हैं पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, क्या तुम दो जो है असलातान ईमान, क्या तुम दो नमाज को एक साथ पढ़ रहे हो? अल्लाह के रसूल जब नाराजगी का इजहार करते हैं तो वो बताते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी जो है दो रकात सुन्नत नमाज पहले की छूट गई थी, इसीलिए मैं नमाज के बाद उसको दो रकात पढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फला अज़िन, या फिर इज़न भी पढ़िए। तो इसका तर्जमा दो हो सकता है। देखिए, अरबी नहीं जानते होंगे, किसी का तर्जमा पढ़ेंगे तो फिर आपको तर्जमा का ही देखना पड़ेगा, गुमराह हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसी के लिए अरबी लफ्ज का समझने की कोशिश करिए, अरबी में क्या है, क्योंकि ये जो गैर मुकल्लिद है ना, ये तर्जमा कुछ और होता है, कुछ और तर्जमा करके धोखा दे देते हैं। इसलिए आप यहाँ पर समझिए, ये जो फला इज़न का लफ्ज है ना, फला इज़न, जब सहाबी रसूल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी दो रकात छूट गई थी उसी को पढ़ रहा हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फला इज़न। अब फला इज़न का दो तर्जमा होगा, एक तर्जमा उसका ये होगा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। यानी एक तर्जमा फला इज़न का ये होगा तो फिर कोई बात नहीं। यानी अगर तुम फर्ज नमाज के जो है दो रकात सुन्नत नमाज नहीं पढ़ पाए तो फर्ज नमाज के बाद पढ़ सकते हो, तो कोई बात नहीं है। फला इज़न एक तर्जमा इसका ये होगा, लेकिन दूसरा तर्जमा उसका ये भी होगा, फला इज़न यानी फिर भी इजाजत नहीं, तब भी नहीं पढ़ सकते। अब जब दोनों तरह का एहतमाल है तो तुम एक एक चीज को क्यों लेते हो, दूसरा तर्जमा क्यों नहीं करते? अगर तुम पहले वाला तर्जमा लोगे तो फिर कोई हर्ज नहीं है, तो ये हदीस बहुत सारी हदीसों से टकरा जाएगी। जो सही सही हदीस, जो मुतवातिर हदीस है, जो हद तवातुर को पहुंच चुकी है हदीसें, 30 कमोबेश 30 सहाबा इकराम से जो हदीस मरवी है कि फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ना मना है सूरज निकलने तक, ये हदीस उस हदीस से टकरा जाएगी। लेकिन अगर तुम इस हदीस का ये माना बयान करोगे फला इज़न का कि फिर भी जायज नहीं, तब भी तुम नहीं पढ़ सकते, अगर इसका ये माना लिया जाएगा तो फिर ये हदीस उन हदीसों से नहीं टकराएगी, तो भलाई किसमें है? ये अकलमंद जो वो होता है दोनों हदीस को टकरा कर एक हदीस को छोड़कर दूसरी हदीस को ले ले, ये अकलमंद नहीं है। अकलमंद वो है कि जब दो हदीस टकराती है दोनों में कोई तत्बीक की सूरत पेश आ जाती है, कोई तत्बीक का रास्ता निकल जाता है, कोई हदीस का ऐसे माना बयान कर देता है कि दोनों हदीस टकराती नहीं है, दोनों हदीस अपनी अपनी जगह सही हो जाती है, वही अकलमंद है और यही होना चाहिए। हमारी ये शान नहीं है कि अल्लाह के रसूल की हदीस का रद्द कर दें, अल्लाह के रसूल की हदीस को गलत करार दे दें। अगर आप इस हदीस का ये माना लेंगे फला इज़न के फिर तो कोई बात नहीं है, तुम पढ़ सकते हो नमाज, अगर ये माना लेंगे, ये हदीस कितनी हदीसों से, बहुत सारी हदीसों से टकरा जाएगी। लेकिन अगर इस हदीस का ये माना बयान करते हैं फला इज़न तो फिर भी जायज नहीं, तब भी नहीं पढ़ सकते, तो इस सूरत में कोई तजाद नहीं होगा, हदीस टकराएगी नहीं, तो बताइए कौन सा माना लेना चाहिए। अब आगे भी सुनिए, ये जो हदीस है ना हजरत कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, इस हदीस को बाज जैसा कि तिर्मिज़ी शरीफ खोलकर देखिएगा, जिल नंबर 1 सफा नंबर 92 पे, जिल नंबर 1 सफा नंबर 96 खोलकर देखिएगा। इसमें एक रावी है मोहम्मद, जिनका जो है सीमा जो है ये एक दूसरे रावी है,
जिनका नाम कैस है, यानी मोहम्मद का कैस से सीमा साबित नहीं है, जिसकी वजह से ये हदीस ज़ईफ करार दी गई है। ये हदीस ज़ईफ करार दी गई है। अब क्या हो गया गैर मुकल्लिदो? एनाफ के ऊपर तुम एतराज कर रहे थे, एनाफ के ऊपर तान और तस्नी कर रहे थे, ज़ईफ हदीस ज़ईफ हदीस। अब तुम्हें क्या हो गया कि तुम भी ज़ईफ हदीस पेश करने लगे हो और लोगों को बताते भी नहीं हो कि हदीस ज़ईफ है? क्यों? अगर तुम बताओगे कि हदीस ज़ईफ है कि तुम्हारे लोग तुम्हें जूते मारने लगेंगे कि हम तो अहले हदीस हैं, हम तो सही हदीस पे अमल करने वाले थे, तो हमारे पास ज़ईफ हदीस क्यों पेश करते हो? तुम्हारे लोग तुम्हें जूते मारने लगेंगे, इसीलिए तुम यहाँ पर धोखा देकर इस हदीस के बारे में बताते नहीं हो कि यह हदीस सही है या ज़ईफ है। अगर बताओगे तो तुम्हारा पोल खुल जाएगा ना, तुम्हारे लोग तुम्हें ही बजाने लगेंगे, इसीलिए तुम ये बताते नहीं हो। तो ये दूसरा जवाब था मेरा। पहला जवाब तो ये था कि फला इजन, इसके दो एहतमाल हैं। जब एहतमाल दोनों हो गया तो फिर तुम्हारी दलील ये नहीं बन सकती। और इसका दूसरा जवाब ये है कि यह हदीस ज़ईफ है, खुद तिर्मिज़ी में मौजूद है, खोल कर देखिएगा, मोहम्मद का हजरत कैस से सीमा नहीं है, लिहाजा यह हदीस ज़ईफ हुई। इसका तीसरा जवाब भी सुन लीजिए। अगर इस हदीस को सही मान भी लिया जाए तब भी हमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। क्यों? हो सकता है ये अमल जो सहाबा इकराम का इस हदीस में आया है ये पहले का अमल हो और यह हदीस मनसूख हो चुकी हो। कैसे? ये पहले का अमल हो, बाद में फिर यह हदीस आई हो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया हो कि फजर की नमाज के बाद नमाज न पढ़ो, फजर की फर्ज नमाज के बाद नमाज न पढ़ो सूरज निकलने तक। यह हदीस बाद की हो सकती है और यह हदीस पहले की हो सकती है, लिहाजा मनसूख का भी इहतमाल है। और यह हदीस तो मुफरद है, यह हदीस तो कुछ ऐसे ही हदीस है। वो जो हदीस मैं जो दलील के तौर पर पेश कर रहा हूँ वो हदीस तो तवातुर के दर्जे तक पहुंची हुई है, लिहाजा उस हदीस को तरजीह दी जाएगी। और इस हदीस को अगर सही मान भी लिया जाए तब भी इस हदीस को मनसूख मानना पड़ेगा, वरना वो जो तवातुर की हदीस है उस हदीस से इस हदीस का टकराव लाजिम आएगा। और ये हदीस उस दर्जे की नहीं है, उसके मुकाबले में ये बहुत कम दर्जे की है, इसीलिए इस हदीस को अमल नहीं किया जाएगा, इस हदीस को छोड़ दिया जाएगा अगर सही मान भी लिया जाए। अब आगे आइए, उन्होंने एक जवाब, उन्होंने एक दलील ये भी दी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जो है किसी मशगूलियत की वजह से, वफ्द के आने की वजह से जो है जोहर की जो बाद की दो रकअत सुन्नत नमाज है उसको नहीं पढ़ पाए थे, छोड़ दिए थे। तो असर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वो जो दो रकअत छूट गई थी उस दो रकअत को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम असर की नमाज के बाद पढ़े हैं। इससे ये बात साबित करना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे जोहर से पहले की सुन्नत नमाज छूट गई थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसको असर की बाद पढ़ रहे हैं, जबकि हदीस में ये आता है कि असर की नमाज के बाद पढ़ना नमाज मना है, फिर भी अल्लाह के रसूल पढ़ रहे हैं। इसी तरह ये भी समझ लीजिए जैसे कि वो सुन्नत नमाज की कजा पढ़ रहे हैं, इसी तरह अगर हमारी नमाज फजर की नमाज से पहले दो रकअत छूट जाती है तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते? जब वहां पर पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। वो ये दलील देना चाहते हैं, फिर आगे बताते हैं, कहते हैं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस बुखारी में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम असर की बाद दो रकात जो सुन्नत पढ़ते थे वो छोड़े नहीं, यहाँ तक के वफात पा गए, यानी सारी उम्र पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दो रकात नमाज असर के बाद पढ़ते रहे यहाँ तक के अल्लाह के रसूल की वफात हो गई। अब आइए इस हदीस का जवाब जरा सुन लीजिए, इंशाअल्लाह जवाब अगर आप समझ जाएंगे खुद आपके जवाब से ये हदीस दलील के तौर पे पेश करने की उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी। अब बात को समझिए, बात यह है कि असल में एक मर्तबा माल आया था किसी माल की वजह से और एक मर्तबा वफ्त आया था, इसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने जो है जोहर की नमाज नहीं पढ़ पाई थी, बाद की जो दो रकअत सुन्नत नमाज है, जोहर के बाद की दो रकअत सुन्नत नमाज बाद में अल्लाह के रसूल ने असर की नमाज के बाद पढ़ी है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो असर के बाद दो रकअत नमाज पढ़ी है ये तो उसकी कजा थी, लेकिन हजरत आयशा की हदीस बुखारी में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी दो रकात असर की नमाज के बाद पढ़ते रहे। मैं यहाँ पूछ देना चाहूंगा गैर मुकल्लिदों से, सवाल कर देना चाहूंगा, क्या तुम भी पूरी जिंदगी पढ़ रहे हो असर की नमाज के बाद दो रकात सुन्नत नमाज, जबकि अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी असर की नमाज के बाद पढ़ रहे थे?
क्या तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा अमल इस हदीस पे है? नहीं है। जब तुम्हारा ही अमल इस हदीस पे नहीं है, फिर दलील के तौर पर क्यों पेश करते हो? शर्म तो करो, इस हदीस पे तुम्हारा अमल नहीं है। तुम खुद कहते हो कि असर की नमाज के बाद जो है बिला सबब नमाज पढ़ना मना है, तो फिर जब अल्लाह के रसूल पूरी उम्र पढ़ रहे हैं तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तुम्हारा अमल इस हदीस पे क्यों नहीं है? तुम भी पढ़ो ना, तुम भी नहीं पढ़ सकते। क्यों पढ़ो भाई? नहीं पढ़ सकते। अरे पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? इसलिए कि ये दलील नहीं बन सकती तुम्हारी भाई। अच्छा आगे समझिएगा, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी पढ़ते थे असर की नमाज के बाद दो रकात, वो कहाँ पढ़ते थे मालूम है? मस्जिद में कभी नहीं पढ़ते थे, अपने कमरे में आके पढ़ते थे, अपने हुजरे में आकर पढ़ा करते थे अल्लाह के रसूल। इससे एक बात आप समझ लीजिए, वो जो दो रकात जोहर की नमाज छूटी थी अल्लाह के रसूल की, असर के बाद पढ़ रहे हैं, अभी इसके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। इससे पहले पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो अल्लाह के रसूल पूरी उम्र पढ़ रहे थे, तो क्या गैर मुकल्लिदों से सवाल है मेरा, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पूरी उम्र जोहर के बाद की दो रकात सुन्नत कजा करते रहे, असर की नमाज के बाद पढ़ते रहे? नहीं तो, ऐसा तो हुआ नहीं। तुम भी मना कर रहे हो, कभी कभी अल्लाह के रसूल की छूट गई थी, एक मरतबा वफ्त आया था, एक मरतबा माल आ गया था इसकी वजह से। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो असर की नमाज के बाद पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे दो रकात, ये समझ में आया कि कुछ मरतबा तो सबब की वजह से, सबब कौन सा था? सबब ये था कि सुन्नत नमाज छूट गई थी, उसको बाद में पढ़ लिया, लेकिन वो जो पूरी जिंदगी पढ़ते रहे ये तो बिला सबब रहा, कभी कभी सबब आ गया, वरना तो बिला सबब पढ़ते रहे। तो तुम भी कहते हो कि बिला सबब पढ़ना जायज नहीं है, किसी सबब की वजह से पढ़ना जायज है। तुम्हारा अमल इस हदीस पे नहीं हो रहा है, तुम्हारा अमल क्यों नहीं है इस हदीस पे हो रहा है? तुम्हारा अमल भी इस हदीस पे होना चाहिए। यहाँ पर एक बात आपको बताऊं, ये समझने की कोशिश करिएगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो असर की नमाज के बाद दो रकात नमाज पढ़ रहे थे, ये क्यों पढ़ रहे थे और पूरी जिंदगी पढ़ रहे थे? इससे ये समझ में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए असर की नमाज के बाद नमाज पढ़ना मना नहीं था। सूरज के निकल जो है सूरज के गुरूब होने से पहले पहले तक बाद नमाज असर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए असर की नमाज के बाद नमाज पढ़ना मना नहीं था, तभी तो अल्लाह के रसूल पढ़ रहे थे। अगर मना होता तो अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ते, अगर मना होता तो अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ते, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए मना नहीं था, इसीलिए अल्लाह के रसूल पढ़ रहे थे, वो भी बिला सबब, बिला किसी सबब के पढ़ रहे थे। लेकिन उम्मतियों के लिए क्या हुक्म है? उम्मतियों के लिए ये हुक्म ही नहीं है, उम्मतियों के लिए हुक्म अलग है। अल्लाह के रसूल का अमल एक तरफ है। देखिए एक उसूल आपको बता दूं, जब हदीसे फैली हदीसे कौली टकरा जाती है तो फिर हदीसे कौली को लिया जाएगा, हदीसे फैली को नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आपको बताऊं कि हदीसे कौली में यानी कौल कहते हैं कहने को, जो अल्लाह के रसूल ने कहा है, एक काम वो है कि जो अल्लाह के रसूल ने किया है, एक वो है कि जो अल्लाह के रसूल ने कहा है। जब अल्लाह के रसूल की बात उनके अमल के खिलाफ हो जाए तो फिर उनकी बात को ली जाएगी, अमल को नहीं। जैसा कि चार से ज्यादा निकाह करना, अल्लाह के रसूल ने कितनी शादियां की हैं? चार से ज्यादा निकाह किया है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, लेकिन कहा क्या है, मना किया है कि चार से ज्यादा निकाह मत करो। तो ये समझ में आया कि अल्लाह के रसूल के लिए खुसूसियत है, एक अमल है, एक हदीस है, एक अमल है, एक कौल है, लिहाजा अमल कौल से टकरा रहा है, तो अमल पे हमारा अमल नहीं होगा बल्कि कौल पे होगा, कौल को तरजीह दी जाएगी। अगर कोई आज ये कहे कि मैं चार से ज्यादा निकाह करूंगा, पांच छह निकाह करूंगा, दस निकाह करूंगा, क्यों? अल्लाह के रसूल ने किया है, दलील के तौर पर हदीस पेश करेगा, आप क्या कहेंगे? कहेंगे कह रहे वो तो अल्लाह के रसूल का कॉल था, वो तो फेल था, कॉल नहीं था, अल्लाह के रसूल का फेल था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने किया क्या है वो मत देखो, कहा क्या है ये भी देखो। जब टकरा रही है दोनों तो फिर कहने को लेंगे, तो यहाँ पर भी यही हुक्म चलेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो असर की नमाज के बाद नमाज पढ़ रहे हैं, ये उनका फेल है अल्लाह के रसूल का, लेकिन कहा क्या है
अल्लाह के रसूल ने मना किया है भाई। बुखारी में, मुस्लिम में सही सही हदीसें मौजूद है। कितनी 30 कमोबेश 30 सहाबा इकराम से हदीस मौजूद है, असर की नमाज के बाद नमाज पढ़ना मना है। लिहाजा फेल को नहीं देखा जाएगा, कौल को देखा जाएगा। लिहाजा ये रिवायत फेली रिवायत है और कौली रिवायत से ये फेली रिवायत टकरा रही है, जिसकी वजह से ये फेली रिवायत को तुम दलील के तौर पे पेश नहीं कर सकते। अगर पेश करोगे तो फिर तुम खुद फंस जाओगे इस मसले पे। यहां पर आपको एक चीज और बताऊं कि जो सुन्नत नमाज है ना, ये वक्त के अंदर पढ़ना है, वक्त के बाद नहीं पढ़ना है। यहाँ जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जोहर की नमाज, सुन्नत नमाज जो छूट गई थी, पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं? असर की नमाज के बाद, यानी जोहर का वक्त निकल गया। वक्त के निकल जाने के बाद क्या कोई नमाज कजा होगी, यानी सुन्नत नमाज? वक्त के निकल जाने के बाद क्या कोई ये इसका कायल है कि सुन्नत नमाज पढ़ना जायज है? वक्त के निकल जाने के बाद सुन्नत नमाज वक्त के अंदर पढ़ना है, वक्त के बाद पढ़ना नहीं है। अब इससे ये बात समझ में आ रही है, वो जो दो रकात अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत नमाज थी जोहर के बाद की, हो सकता है ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए वाजिब हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए जोहर के बाद की दो रकात सुन्नत नमाज वाजिब हो, उम्मती के लिए सुन्नत हो। जैसे तहज्जुद की नमाज उम्मतियों के लिए सुन्नत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए फर्ज थी, जब उनके लिए फर्ज थी हमारे लिए सुन्नत है। कोई दलील के तौर पे पेश करेगा अल्लाह के रसूल जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे तो लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि हम भी पढ़ेंगे, हमारे लिए फर्ज है, तो हम कहेंगे नहीं, गलत है भाई। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फेल था, कौल कुछ और है, फेल कुछ और है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो सकता है, वो जो दो रकात नमाज अल्लाह के रसूल की जोहर के बाद की रह गई थी और वो दो रकात नमाज उम्मतियों के लिए सुन्नत हो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए वाजिब हो, इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो है असर की नमाज के बाद उसको पढ़ रहे हैं। हम भी यही कहते हैं, कोई फर्ज नमाज हो या वाजिब नमाज हो, तुम असर की नमाज के बाद भी, फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो। अगर ये माना न लिया जाए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फेल, यानी अल्लाह के रसूल का काम और अल्लाह के रसूल की बात और कौल, दोनों में टकराव पैदा हो जाएगा। क्या बताते हैं आप कि टकराव करना अच्छा है या दोनों में तदबीक पैदा कर देना, दोनों को ऐसे माना बयान कर देना जो आपस में न टकराए, वो सही है? आप फैसला करिए, आप गौर फिक्र करिए। लिहाजा ये हदीस तुम अपनी दलील के तौर पे पेश नहीं कर सकते। अगर पेश करोगे तो तुम्हें ये सवाल किया जाएगा कि अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी ये नमाज पढ़ते थे, असर की नमाज के बाद दो रकात नमाज पढ़ते थे, क्या तुम पढ़ रहे हो? तुम नहीं पढ़ रहे हो। अगर अल्लाह के रसूल पढ़ते थे तो कभी कभी सबब की वजह से पढ़ते थे और पूरी जिंदगी बगैर सबब की वजह से पढ़ते थे, और तुम ये मसला क्यों बयान करते हो कि बगैर सबब के पढ़ना नाजायज है, जबकि अल्लाह के रसूल बगैर सबब के भी पढ़ रहे थे? तुम्हारा मसला फिर भी गलत हो जाएगा, लिहाजा ये हदीस तुम्हारे भी खिलाफ है, लिहाजा तुम इस हदीस को अपनी दलील के तौर पे पेश नहीं कर सकते। यानी मैं आपको एक बात यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो पूरी जिंदगी पढ़ा करते थे असर की नमाज के बाद, ये तो जोर से पहले की सुन्नत नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि अल्लाह के रसूल की हमेशा जोर के बाद की सुन्नत छोड़ दिया करते थे, असर के बाद पढ़ते थे, ऐसा तो नहीं था। लिहाजा ये जो नमाज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे, हो सकता है कि ये आपके लिए वाजिब हो, या ऐसा भी हो सकता है, दूसरा जवाब उसका ये भी हो सकता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए असर की नमाज के बाद नफिल नमाज पढ़ना जायज था, उम्मतियों के लिए मना है, अल्लाह के रसूल के लिए जायज था, इसीलिए अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी पढ़ते रहे क्योंकि उनके लिए जायज था। अगर उनके लिए हलाल करार दे दिया जाए, हमारे लिए नाजायज करार दे दिया जाए, तो इसमें कोई तजाद की बात नहीं है भाई। समझने वाली बात है, गौर फिक्र करने वाली बात है। वो जो वीडियो आपने देखी है उसपे एक झूठ बोला गया है, क्या झूठ है? उसमें ये बताया गया है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो जो है फजर की नमाज के बाद और सूरज निकलने के बाद भी नमाज पढ़ने से मना करते हैं। वो जो दो रकात तुम्हारी सुन्नत नमाज पढ़ गई है, छूट गई है, फजर की नमाज से पहले जो दो रकात सुन्नत नमाज छूट गई है, उसको नमाज के बाद भी न पढ़ो, सूरज निकलने के बाद भी न पढ़ो, ये सरासर झूठ है। बल्कि सही बात यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मना नहीं किया है। मसला समझिएगा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सूरज निकलने के बाद नफिल नमाज, जो दो रकात सुन्नत नमाज छूट गई थी, उसको पढ़ने के लिए मना नहीं किया है। बल्कि यहाँ पर आपको बता दूं कि जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये मंसूब करते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने न जमात के बाद, न सूरज निकलने के बाद नमाज जो है दो रकात सुन्नत नमाज पढ़ने के लिए जो है मना किया इमाम अबू हनीफा ने, तो ये उन पर झूठ है। क्या है फिर सही बात? क्या है? इमाम अबू हनीफा ने मना नहीं किया है,
बल्कि इमाम अबू हनीफा ने ये कहा है कि अगर तुम्हारी दो रकात सुन्नत नमाज छूट जाती है तो फिर तुम उसको सूरज निकलने से पहले न पढ़ो, यानी जमात के बाद न पढ़ो। ये नहीं कहा है कि सूरज निकलने के बाद मत पढ़ो, सूरज निकलने के बाद मत पढ़ो, ये इमाम अबू हनीफा ने कहा नहीं है। अगर वाकई में किसी के अंदर जुर्रत है तो इमाम अबू हनीफा से ये बात साबित कर दे। इमाम अबू हनीफा ने मना किया हो, लेकिन हाँ इमाम अबू हनीफा ने ये कहा है वो जो तुम सुन्नत नमाज जो पढ़ोगे बाद में जो तुम्हारी छूट गई थी वो अब सुन्नत तुम्हारे लिए नहीं रही, वो तो नफिल हो गई तुम्हारे लिए। इसी को इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम अबू हनीफा के सागिर्द थे वो ये बयान करते हैं कि अगर तुम पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर झूठ बोला गया है इमाम अबू हनीफा के ऊपर। यानी अल्फाज दिगर मैं ये कहना चाहता हूँ, इमाम अबू हनीफा ने सूरज निकलने के बाद ये हुक्म भी नहीं दिया है कि तुम दो रकात सुन्नत जो छूट गई थी उसको पढ़ लो, या इसी तरह हुक्म भी नहीं दिया, इसी तरह मना भी नहीं किया है। जब मना भी नहीं किया है तो इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद, जब उनके शागिर्द होने के बावजूद उनका एक कॉल ये आता है कि जब इमाम अबू हनीफा ने मना नहीं किया है हम अगर पढ़ लेते हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है, उनके खिलाफ नहीं है। हाँ अगर इमाम अबू हनीफा मना करते तो फिर हम उसके बावजूद अमल करते तो उनके खिलाफ होता। बात समझिएगा, गौर करिए कि मैंने मुख्तसर इस बात को यहाँ मुख्तसर लिया है क्योंकि यह असल मेरा बहस नहीं है। अब आगे आइए, दलील के तौर पे एक हदीस ये पेश करती हैं कि जो नमाज यानी जमात खड़ी होने के बाद फजर की सुन्नत नमाज पढ़ने के बारे में हम लोग कहते हैं कि तुम कोने पे जाके पढ़ सकते हो, लेकिन ये हजरात कहते हैं कि तुम नहीं पढ़ सकते। दलील क्या देते हैं? दलील देते हैं इदा उकीमती सला फला सलात इल्लल मक्तूबा, कि जब इकामत कह दी जाए नमाज के लिए तो फिर कोई नमाज नहीं है सिवाय फर्ज नमाज के। यह हदीस जो है अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन की हदीस है। मैं इस हदीस के बारे में आपको बता दूं, इदा उकीमती सला फला सलात इल्लल मक्तूबा, जब इकामत कह दी जाए तो फिर कोई नमाज नहीं है सिवाय फर्ज नमाज के। अब मैं आपको बताऊं, अगर इसको ऐसे ही मुतलक रखा जाए तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हजरात इसको दलील के तौर पे पेश करते हैं, अगर अकामत मस्जिद में कह दी गई है और कोई औरत या कोई आदमी घर में नमाज पढ़ रहा है सुन्नत नमाज नफिल नमाज, क्या उसके लिए जायज होगा? हाँ बिल्कुल, तुम भी कहते हो जायज होगा, घर में पढ़ रहा है। मुझे वो दलील दो कि मस्जिद में पढ़ने के लिए मना किया गया हो कि मस्जिद में न पढ़ो। यह हदीस तो आम है, जब अकामत कह दी गई है तो फिर अब किसी के लिए भी जायज नहीं होना चाहिए, चाहे वो मस्जिद वाला हो या चाहे घर वाला हो या कहीं का भी हो, पूरी दुनिया में भी। अगर पूरी दुनिया वालों के लिए भी यह हदीस सादिक आएगी, क्यों? अकामत कह दी गई, अब पूरी दुनिया वालों के अभी नमाज पढ़ना नाजायज है, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं, ऐलान करो ना, नहीं कर सकते। क्यों? तुम कहते हो नहीं मस्जिद, मस्जिद में पढ़ना मना है। अरे भाई मस्जिद का लफ्ज कहाँ है यहाँ पर? मस्जिद की जो तख्सीस तुम कर रहे हो, जो हदीस में ज्यादती कर रहे हो, मस्जिद का माना बयान करते हो, इस हदीस का मतलब यह है कि जब अकामत कह दी जाए तो फिर मस्जिद में कोई फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज पढ़ना जायज नहीं है। ये मस्जिद की बात तुम कहां से लाते हो? मस्जिद का तर्जमा कहां से लाते हो? ये हदीस अगर मान ली जाए कि अकामत के बाद फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज जायज नहीं है तो फिर घर में भी नमाज पढ़ना जायज नहीं होगा अगर मस्जिद में अकामत हो जाए। इसी तरह किसी के हुजरे में भी नमाज पढ़ना, अपने घर में भी नमाज पढ़ना, मर्द के लिए भी नमाज पढ़ना, औरत के लिए भी नमाज पढ़ना नाजायज होगा। लेकिन तुम कहते हो घर में नमाज पढ़ना जायज है, क्यों? इस हदीस में तो ऐसा नहीं है, इस हदीस में तो यह आया है कि जब अकामत हो जाए तो फिर नमाज पढ़ना मना है फर्ज नमाज के अलावा, तो यहाँ घर भी शामिल हो सकता है। तुम तो मस्जिद में कह रहे हो जब मस्जिद का लफ्ज इसमें है ही नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझ में आया? इस हदीस का मतलब कुछ और है, इदा उकीमती सला फला सलात इल्लल मक्तूबा, इसका मतलब कुछ और है। क्या मतलब है इंशाल्लाह आगे बयान करूंगा, मसला समझिएगा पहले। ये हदीस जो है इदा उकीमती सला फला सलात इल्लल मक्तूबा, जब अकामत कह दी जाए तो जो है फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं है, ये हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन से जो है मरवी है। यहाँ पर समझिएगा, अम्र बिन दीनार के बहुत सारे शागिर्द थे, उनमें से बहुत सारे शागिर्द थे, उनमें से बहुत सारे शागिर्दों में से एक शागिर्द, सिर्फ एक शागिर्द जकरिया बिन इसहाक, जकरिया बिन इसहाक सिर्फ एक शागिर्द इस हदीस को मरफू नकल करते हैं, यानी इस हदीस को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ मनसूब करते हैं, अल्लाह के रसूल तक पहुंचाते हैं। उसके अलावा
यानी इनके जितने शागिर्द थे, अमर बिन दीनार के जितने शागिर्द थे, इसहाक के अलावा जितने भी शागिर्द हैं, मसलन हम्माद बिन सलमा वगैरह, इसके अलावा बहुत सारे शागिर्द हैं, वो सारे के सारे इस हदीस को मौकूफ नकल करते हैं। इमाम जो है इस हदीस को मौकूफ करते हैं अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु तक, यानी यह हदीस अल्लाह के रसूल तक पहुंच नहीं रही है, अबू हुरैरा तक पहुंच रही है। और इतने सारे शागिर्द इमाम अबू जो है इमाम यानी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंचा रहे हैं, सिर्फ एक ही शागिर्द पहुंचा रहा है हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ, तो समझ में आ रही है कि इतने सारे सिक्का रावी सारे मौजूद हैं, वो जो है सिर्फ हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु तक मौकूफ रिवायत नकल करते हैं। लिहाजा हो सकता है कि उनसे खता हुआ हो, और सही बात यही है, यह हदीस मरफू नहीं है, यह हदीस मौकूफ है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन पर मौकूफ है। अब क्या हो गया गैर मुकल्लिदो, तुम्हारे पास तो सहाबी का कौल हुज्जत नहीं है, मौकूफ रिवायत हुज्जत नहीं है, अब तुम क्यों मौकूफ रिवायत धोखा देने के लिए पेश कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? जब तुम्हारी बारी आती है तो ये मौकूफ रिवायत हुज्जत बन जाती है, जब हमारी बारी आती है तो शोर करने लगते हो कि ये मौकूफ रिवायत है, अब क्या हो गया तुम्हें? अब यहाँ एक दूसरी बात ये समझिएगा कि ये जो हदीस है इदा उकीमती सलाह फला सलात इल्लल मक्तूबा, अगर इस नजरिए से देखा जाए तो फिर जो घर में भी नमाज पढ़ेगा उसके लिए भी नमाज पढ़ना नाजायज होगा। क्यों? क्योंकि अकामत के बाद जो है फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज जायज नहीं है। यहाँ पर मस्जिद का लफ्ज मौजूद नहीं है, पूरे महल्ले वालों के लिए हुक्म लागू हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। तो इस हदीस का फिर मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब यह है कि क्योंकि ये हदीस जो है ना बहुत सारे सहाबा इकराम के अमल से टकरा रही है। क्यों? खुद मैंने हदीस पेश की है कि हजरत अबू दर्दा की जो हदीस थी, उनका जो अमल था कि मस्जिद में आके दाखिल होते हैं, साइड पे आके नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी आके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत नमाज। इस हदीस का ये लोग क्या माने बयान करते हैं? क्योंकि तुम लोग समझते हो मस्जिद का है, लेकिन यहाँ पर मुराद ये है कि इस हदीस का मतलब यह है इदा उकीमती सला फला सलाता इल्लल मक्तूबा, कि फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज जायज नहीं है जब अकामत हो जाए। ये उस वक्त है कि जब आदमी उसी जगह जहां फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं उन्हीं को लग के नमाज पढ़ रहा है, उसी सब से मुत्तसिल नमाज पढ़ रहा है, अब उसके लिए जायज नहीं होगा। हम भी तो यही कहते हैं, लेकिन अगर हट के नमाज पढ़े, मस्जिद ही में पढ़े लेकिन हट के पढ़े, सुतून के आड़ में पढ़े, मस्जिद के कोने में पढ़े, सहन में पढ़े, तो फिर कोई हर्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सहाबी रसूल का अमल मौजूद है। सहाबी रसूल इस हदीस का क्या माना समझते हैं? वो ये समझते हैं कि सब को मिलकर, लोगों से मिलकर सुन्नत नमाज पढ़ना, फर्ज नमाज पढ़ने वाले के साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज भी चल रही है और ये लोग जो है बिल्कुल मुत्तसिल साथ में मिलकर नमाज पढ़ रहे हैं, ये लोग इसका माना, अगर ये समझते सहाबी रसूल ये समझ रहे हैं कि ये उस सूरत में मना है कि जब लोगों से मिलके फर्ज नमाज पढ़ने वालों से मिलके जमात वालों से मिलके नमाज पढ़ी जाए, तब इस हदीस का ये माना है। जब सहाबी रसूल ये माना समझ रहे हैं, इसी वजह से सहाबी रसूल का अमल क्या हुआ कि मस्जिद के कोने पे आके और मस्जिद के सुतून के आड़ में आके नमाज पढ़ रहे हैं। लिहाजा सहाबी रसूल इस हदीस का ये माना समझते हैं कि जब लोगों के साथ मिलके नमाज पढ़ा जाए जो है सुन्नत नमाज, फर्ज नमाज पढ़ने जमात से, तुम उन्हीं के साइड में खड़े होकर बिल्कुल उनसे लग के नमाज पढ़ रहे हो सुन्नत नमाज, ये मना है। क्यों? सहाबी रसूल का खुद अमल बता रहा है कि सहाबी रसूल उसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, साइड से हट के नमाज पढ़ रहे हैं, लिहाजा सहाबी रसूल यही माना समझते हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। क्या तुम्हारा माना बयान करना ये ज्यादा एतबार होगा या सहाबी रसूल का? हम तुम्हारे माने का कोई एतबार नहीं करते, हम सहाबी रसूल के माना का एतबार करते हैं कि सहाबी रसूल हदीस को ज्यादा समझने वाले थे, लिहाजा हम उनके मुताबिक लेंगे। तुम्हारे समझ का कोई एतबार नहीं है शरीयत में। लेकिन याद रखिएगा, इस हदीस को अगर आम कर दिया जाए ना कि मस्जिद में जो भी नमाज पढ़ेगा मना होगा, तो फिर यहाँ मस्जिद का लफ्ज भी नहीं है, पूरे महल्ले वालों के लिए नाजायज हो जाएगा, जबकि तुम भी ऐसा कहते नहीं हो। इस हदीस को अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये फिर पूरी मस्जिद वालों के लिए है, तो फिर सहाबी रसूल का अमल टकरा रहा है इस हदीस से।
इस हदीस का माना सहाबी रसूल समझ रहे थे कि साथ में मिलके नमाज पढ़ना मुराद है, अलग से नमाज पढ़ना मुराद नहीं है। इसीलिए सहाबी रसूल आके अलग से नमाज पढ़ रहे थे, साइड हटकर सुतून के आड़ में, खंबे के आड़ में कोने पे जाके नमाज पढ़ रहे थे, इसीलिए सहाबी रसूल ऐसा कर रहे थे। अगर इस हदीस का ये माना न बयान किया जाए जो मैं माना बयान कर रहा हूँ, जो सहाबी रसूल इसका माना समझ रहे हैं, तो फिर सहाबी रसूल का अमल इस हदीस के खिलाफ होगा। क्या दोनों हदीस में तत्बीक देना ये मुनासिब होगा, या दोनों हदीस को टकरा के, अल्लाह के रसूल के हुक्म को टकरा के सहाबी रसूल को जो है उनके उनके ऊपर कीचड़ उछालना कि अल्लाह के रसूल का हुक्म कुछ और है, सहाबी रसूल कर कुछ और रहे हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा? नहीं, आपके लिए बेहतर और मुनासिब ये होगा इस हदीस का वो माना बयान करें जो इस ये हदीस भी अपनी जगह हो, सहाबी रसूल का अमल भी अपनी जगह हो। अब हदीस का क्या माना बयान करते हैं? मैंने जैसे बताया, इस हदीस का माना यह है कि मिलके बिल्कुल लग के नमाज पढ़ना तब मना होगा, तो फिर इस हदीस में और सहाबी रसूल के अमल में कोई तजाद नहीं होगा, कोई टकराव नहीं होगा। लेकिन सहाबी रसूल से बुग्ज, अदावत, दुश्मनी रखने वाले, सहाबा इकराम को बुरा भला कहने वाले इस हदीस का ये माना बयान नहीं करेंगे। क्यों? सहाबी रसूल से दुश्मनी कैसे निकालेंगे? सहाबी रसूल का अमल इस हदीस से टकरा कर सहाबी रसूल के ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं ऐसे लोग, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। इसी तरह मैं आपको ये भी बता दूं, वो जो हदीस है ना, असलातान ईमान, इस हदीस का भी वही मतलब है, वही माना है। लिहाजा लंबी बात हो जाएगी, मैंने यहाँ पर कुछ बातें पेश की हैं, गौर करिएगा तो इंशाल्लाह ये दोनों मसाइल पे आपसे कोई भी बहस नहीं कर पाएगा। अगर मेरी दलीलों को, मेरी बातों को गौर गौर से बार बार सुनिएगा, मेरी दलीलें और उनकी दलीलों का जवाब इंशाल्लाह तसल्ली भी आपको हो जाएगी। उसके अलावा इन दोनों मसाइल पे, एक मसला जो है जमात के वक्त नमाज के बारे में और जमात के बाद नमाज के बारे में, ये जो दो मसाइल हैं, इस पे आपको महारत हासिल है अगर मेरी बातों को गौर और फिक्र से सुन लेंगे। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत का पाबंद बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। याद रखें, मैं आपको ये खुल्लम खुल्ला सरी अल्फाज में कह देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई धोखा देना चाहे, धोखा देना चाहे, बराहे रास्त मुझसे राब्ता करें। मेरा नंबर मौजूद है, अपने चैनल पे मौजूद है, 8908939343। बिला तरद्दुद फोन करें, इंशाल्लाह उनकी जो है हकीकत को वाज़े करके रख दूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि उलमाए अहनाफ, उलमाए देवबंद किसका नाम है, किस मसलक का, किस मकतबे फिक्र का नाम है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही बात कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।